ये देखिए झील का खूबसूरत नज़ारा, और ये देखिए कितनी खूबसूरती है यहाँ के। सारा गाड़ी लगा हुआ है, ये पार्किंग है। और ये देखिए ये झील है, जो हम लोग झील के नज़दीक जा रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा, दूर से कितना अच्छा खूबसूरत और नज़ारा लग रहा है। आगे झरना है, वो देखिए झरना आप लोग को शायद दिख रहा होगा, और मैं नज़दीक जाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए वो बीच में कुछ बनाया हुआ है टीला टाइप का, लगता है वो शायद वहाँ पर पर्यटन के लिए कुछ बनाया गया है, पर्यटन अट्रैक्शन के लिए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए आपको शायद वो फुहारे दिख रहे होंगे। ये देखिए और मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए पानी का ये सीन है, वो देखिए वहाँ पे व्यक्ति, यहाँ लोग पानी में स्विमिंग भी कर रहे हैं। इधर आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ पे है स्विमिंग, ये देखिए शायद आप लोग को दिखता है तो ठीक है, नहीं तो मैं और नज़दीक जाने का प्रयास करता हूँ। स्विमिंग करते हुए दृश्य दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये फतेह सागर झील उदयपुर राजस्थान, काफ़ी अट्रैक्टिव है। देखिए इधर पहाड़ों के बीच, ये देखिए वो जो नीमच माता मंदिर हम लोग गए थे वो मंदिर है, और यहाँ पे नीचे ये फतेह सागर झील का खूबसूरत नज़ारा। ये आपके सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखें, फतेह सागर झील उदयपुर में है। ये देखिए स्विमिंग कर रहा है, लगता है कि काफ़ी ट्रेंड स्विमर है। ये देखिए हमारे सारे ट्रेनिंग उधर हैं, देखिए सब एक ग्रुप बना के फोटो खींच रहे हैं। ये देखिए सारे ट्रेनिंग में हैं, इस छत के नीचे हैं। ये देखिए ये पानी, क्या खूबसूरत नज़ारा यहाँ का देखते ही बन रहा है। देखिए यहाँ से बोटिंग भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ बोट लगा हुआ है। तो अभी सभी ट्रेनिंग्स आ रहे हैं हमारे पीछे, तो देखते हैं बोट यदि किया करेंगे तो जरूर आप लोग को वीडियो बना के डालेंगे। ये देखिए यहाँ फोटो शूट के लिए बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये झरना देखिए, आपको अब शायद साफ दिखाई दे रहा होगा, इस सूर्य की किरणों में स्पष्ट आप लोग को शायद ना दिख रहा हो, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस झरने को आपको साफ क्लियर दिखाएं। इधर देखिए पानी ही पानी है। ये देखिए यहाँ लोग भ्रमण के लिए आए हैं। ये झरना देखिए, ये झील, ये पहाड़।